अनिवार्य रूप से कहाँ से आगे बढ़े हैं उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये YAC फादर ने बताया, ये YAC क्या है आप लोगों को मालूम है। कोई कई साल पहले हम लोग सरकार में YAC मूवमेंट बहुत ज़्यादा था, बहुत एक्टिव था। अभी इसी कारण से ठंडा हो गया, इसलिए उसको अभी जागृत करने के लिए हम लोग और एक बार शुरू कर रहे हैं। YAC ये है यंग अपोस्टल्स ऑफ क्राइस्ट, यानी कि ख्रिस्त अभियान का युवा प्रेरित, ख्रिस्त अभियान का युवा प्रेरित हिंदी में। ये हमारे समाज मरियम क्रिस्तनों की सहायता द्वारा स्थापित किए गए हैं 2000 ईस्वी में। शुरुआत कैसे कर रहे हैं कॉलेज में, सभी गांव बस्ती में सिस्टर लोग जाते हैं, परिवार में रहते हैं और धर्म शिक्षा देते हैं। तो ऐसा हुआ कि शिलोंग के बच्चे युवा युवतियाँ जब सिस्टर लोग उनके परिवार में रह रहे थे, उनका गांव में धर्म शिक्षा दे रहे थे, सिर्फ उनका गांव में नहीं सभी अलग अलग गांव में सिस्टर लोग धर्म शिक्षा दे रहे थे, तो बच्चों ने देखा, अनुभव किया और खुद ने वो ग्रहण किया। ये शिक्षा पाने के बाद युवक युवतियों ने सिस्टर के पास आकर उनसे पूछा, निवेदन किया, सिस्टर आप लोग इतना अच्छे से वचन फैलाते हैं, सुषमाचार प्रचार कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा और हम भी चाहते हैं कि आप हमें भी सम्मिलित करें इस का कार्य में, प्रभु के कार्य में हमें भी सम्मिलित करें, हम भी ये काम करना चाहते हैं। तो हम लोग इस विषय में चर्चा किए हम लोग का जनरल चैप्टर में 2000 ईस्वी में, और सबों ने इस निवेदन को ग्रहण किया और ये अभियान को शुरू किया, स्थापित किया 2000 ईस्वी में। तो क्या के लिए ये ख्रिस्त अभियान युवा प्रेरित को शुरू किए, क्यों, इसका विशेष मतलब यही है। मुख्य विशेषता इस अभियान का ये है कि हमारे बच्चे जो बड़े हो गए हैं, युवक युवतियाँ हो गए हैं, उनका विश्वास को मजबूत बनाए, विश्वास में दृढ़ करने के लिए उनको शिक्षा दें, ताकि वे भी हमारे साथ MS MSC के लिए नहीं, मिशनरी सिस्टर सिस्टर्स ऑफ मेरियल क्रिस्टन्स के लिए नहीं, हमारे माता कलिसिया के लिए, हमारे गिरजा के लिए, हमारे मंडली के भाई बहनों के लिए, हमारे परिवार के सदस्यों के लिए एक दो सब ईश्वर के बारे में बता सके, प्रार्थना में एक साथ प्रार्थना कर सके, दूसरों को ये शुभ संदेश दे सके, इसके लिए ये अभियान शुरू किए गए। अभी सभी जगह में जहाँ भी वे हैं परिवार में वो लोग विजिट करने के लिए जाते हैं, जिस परिवार में लड़ाई झगड़ा है, जिस परिवार में अशांति है, जिस परिवार में मेल मिलाप नहीं है, बीमार है, उस परिवारों में जाकर जहाँ जहाँ हड़िया दल का बहुत ये बिक्री हो रहा है, जिस परिवार के भाई बहन लोग गिरजा प्रार्थना नहीं आते हैं, नशा में डूबे हुए हैं, इस परिवार में जाके, इस जगह में जाके हम लोग धमकी नहीं देते, लेकिन उन्हें समझाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनको फिर से प्रभु के प्यार में लाते हैं। उनका मुख्य काम यही है। तो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्य को करने के लिए हम खुद नहीं कर सकते, इसलिए हमारे परिवार, हमारे कलीसिया, हमारे मंडली को सहायता करना चाहिए। तो इसी के कारण हम लोग ये अभियान को शुरू किए हैं। आज हमारे 44 बच्चे हमारे सामने उपस्थित हैं जो मन्नत लेंगे, जैसे फादर सिस्टर लोग मन्नत लेते हैं उसी तरह हम लोग एक एक करके मन्नत लेंगे, एक साथ वचन देंगे प्रभु के सामने, रोहित के सामने, सिस्टरों के सामने, माता पिता भाई बहनों के सामने उन लोग करा देंगे, प्रोमिस करेंगे आज के आज से उन लोग प्रभु का प्रेरित बन जाएंगे और प्रभु के लिए उन लोग अपना टाइम, अपना समय, अपना पूरा जीवन प्रभु के लिए बिताएंगे। आज से उन लोग हमारे
मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी का समाज का सदस्य बन जाते हैं। फादर सिस्टर सिर्फ सिस्टर लोग के लिए नहीं, फादर सिस्टर लोग इस पारिश में और जहाँ कहीं भी हम लोग जाएंगे, जो कुछ भी कलीसिया का काम है उनमें फादर सिस्टर लोगों को, प्रचारक लोगों को और परिवार में जो भी है, महिला संघ पुरुष जो भी संगठन है उनमें उन लोग भाग लेंगे और उनको मदद सहायता करेंगे। माता पिता उनसे बच्चे लोग छोटे हैं, उनको बहुत सारा सीखने के लिए बाकी है। सिर्फ दो दिन हमने सिखाया, बहुत कुछ उन लोग सीखे हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि दो दिन काफ़ी नहीं है, एक सप्ताह भी काफ़ी नहीं है, बहुत सीखने का जरूरत है। इसलिए जो बाकी है सिस्टर लोग सिखाएंगे और माता पिता भाई बहनों भी, मेरे तरफ से विशेष निवेदन है कि उनको मदद करें, आप लोग मदद कीजिए ताकि हम सब लोग एक साथ प्रभु का कार्य को विश्वास से, यकीन से, भक्तिभाव से, ईमानदारी से इस कार्य को आगे बढ़ा सकें। अभी मैं फादर को इस मनन सभा में आगे बढ़ने के लिए निमंत्रण करती हूँ। Do you know well the aims and guidelines of this youth movement? Yes, we know well the aims and guidelines of this youth movement. Are you willing to live by them? Yes, we are most willing to live by them, through the help of God and our Blessed Mother Mary. My dear children, may the Lord God bless you and keep your mind and soul body by following and living the guidelines of the movement. May you grow closer to God and become perfect children of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Candidates make the promise. In the name of God, our loving Father, and of His greater glory, जैसे हमारे बच्चे को वो साइड का मेडल है।
With the help of God and Mary of Omnipotence, you will be empowered with courage and wisdom to witness to Christ and enjoy the peace of Christ forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. बना दिया है।
Thank you.